गुड मॉर्निंग टू ऑल माई सेल्फ डॉक्टर हरेन आज के लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को और लॉजिस्टिक ग्रोथ को पॉपुलेशन ग्रोथ द टर्म पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर्स टू हाउ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीजेस विथ टाइम टी कहने का मतलब है कि जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो इंक्रीज और डिक्रीज टाइम के अकॉर्डिंग कैसे होता है उसी को हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं दिस ग्रोथ इज कंट्रोल बाय द रेट एट विच न्यू इंडिविजुअल्स आर एडेड टू द पॉपुलेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ बर्थ एंड माइग्रेशन एंड द रेट एट विच इंडिविजुअल्स लीव द पॉपुलेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड एमिग्रेशन कहने का मतलब है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कंट्रोल कैसे होता है बर्थ और माइग्रेशन के थ्रू पॉपुलेशन का जो साइज है वो इंक्रीज होता है जिसको हम पॉपुलेशन गेन कह सकते हैं आप इस फिगर में आप देख सकते हैं इसके अलावा अगर पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स की डेथ होगी और पॉपुलेशन में से अगर इंडिविजुअल पॉपुलेशन को छोड़कर चले जाएंगे इमिग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन का जो साइज है वो स्मॉल होगा तो नेचर में पॉपुलेशन इसी तरीके से कंट्रोल होता है पॉपुलेशन में अगर माइग्रेशन और एमिग्रेशन क्या होगा एबसेंट होगा तो हम पॉपुलेशन को क्लोज पॉपुलेशन कहते हैं अगर मान लीजिए पॉपुलेशन में माइग्रेशन और एमिग्रेशन होगा तो उसको ओपन पॉपुलेशन कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंसेस बिटवीन रेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ कहने का मतलब है कि जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है वो रिफ्लेक्ट करता है जो भी बर्थ uh, रेट और डेथ रेट के बीच में या उसके बीच के जो डिफरेंसेस है उसी uh, वो रिफ्लेक्ट करता है पॉपुलेशन uh, ग्रोथ को इसको हम uh, एक एग्जांपल से समझते हैं uh, हम हाँ, आपके जो ये फिगर दिखाई दे रहा है पिक्चर uh, दिखाई दे रहा है ये हाइड्रा है फ्रेश हाइड्रा है ये जो हाइड्रा है हमने यहाँ एग्जाम्पल पे हाइड्रा को इसीलिए लिया है क्योंकि इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है वो बहुत सिंपल है और उसको ट्रैक करना बहुत आसान है हमने हाइड्रा को क्या किया लेबोरेटरी कंडीशन में उसको ग्रो करना स्टार्ट किया अगर इनिशियल स्टेज में हम कहेंगे कि जो हाइड्रा का जो पॉपुलेशन था वो क्या है कि हम उसको डिनोट करेंगे वो कैपिटल एन से और टाइम टी टाइम को यहाँ स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं इसी टाइम पे जो पॉपुलेशन का जो साइज था इनिशियल स्टेज पे वो पॉपुलेशन का साइज बहुत छोटा था बहुत स्मॉल था और हमने जो फूड सप्लाई दिया है वो सफिसंट था और और उस, उसके लिए ज़्यादा भी था इसीलिए जो पॉपुलेशन है वो क्या होगा एक्सपोनशियल ग्रोथ को शो करेगा और इसी जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करेगा आ, कहने का मतलब है कि उनके भी, आ, वो अपने क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन रेट वहाँ इंक्रीज़ हो जाएगा इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या होगा कि आपका जो इंडिविजुअल्स है उनका पॉपुलेशन में एडिशन होना स्टार्ट हो जाएगा अब जो ये एडिशन हो रहा है इंडिविजुअल का इसे हम बर्थ रेट कहते हैं इसको स्मॉल बी से डिनोट करते हैं सेम पॉपुलेशन में ही क्या होगा इंडिविजुअल्स की डेथ भी होगी जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और स्मॉल uh, डी से डिनोट करते हैं और यहाँ पे जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है वह कंटीन्यूस है कंटिन्यूस इसीलिए कह रहे हैं हम क्योंकि इन uh, 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 जो ये बर्थ रेट है और डेथ रेट है ये डिफाइंड uh, पीरियड uh, इसका कोई डिफाइंड पीरियड नहीं है और ये बर्थ रेट माइनस डेथ रेट को हम इंटेंसिक रेट भी कहते हैं और इंटेंसिक रेट को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं अब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को डिस्कस करते हैं अ पॉपुलेशन सोस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इफ देयर इज ए नो लिमिटेशन ऑन ग्रोथ दैट इज इन आइडियलाइज्ड अनलिमिटेड एनवायरमेंट कहने का मतलब है कि कोई भी पॉपुलेशन क्या है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करता है जब उनके लिए जो रिसोर्सेस है वो क्या है अनलिमिटेड है इन्वायरमेंट में वो तब क्या होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो करता है इस एक्स हम हाइड्रा वाले एग्जाम्पल को रिकॉल करते हैं हमने इनिशियल स्टेज में हमने कहा कि जब हमने हाइड्रा को ग्रो करना स्टार्ट किया तो जब ग्रो कर रहे थे तो उसका जो पॉपुलेशन का साइज़ था वो बहुत स्मॉल था और हमने उसको क्या किया जो फ़ूड सप्लाई देना स्टार्ट किया तो वो क्या है उस फूड वो फूड सप्लाई वो स्मॉल पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा था और इसी वजह से हाइड्रा के बीच में कंपटीशन एराइज़ नहीं होगा और वो एक्सपोनेशियल ग्रोथ को शो करता है अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन को ध्यान में देखें कि सामने ये है जो डी एन अपॉन डी टी है ये शो करता है चेंज इन पॉपुलेशन कहने का मतलब हम एग्जाम्पल को वापस रिकॉल करते हैं हाइड्रा वाला इनिशियल स्टेज पे जो पॉपुलेशन था और जब बाद में कुछ टाइम के बाद उसमें जो पॉपुलेशन का जो साइज हुआ वो चेंज हो गया उसको हम कहते हैं डी एन अपॉन डी टी स्मॉल आर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है जिसको हम इंट्रेंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन भी कहते हैं हम पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि इंट्रेंसिक जो रेट होता है ये बर्थ रेट माइनस डेथ रेट होता है कैपिटल एन Uh, इसको हम पॉपुलेशन uh, साइज कहते हैं पॉपुलेशन uh, साइज uh, जो इनिशियल uh, स्टेज में जो हाइड्रा uh, का पॉपुलेशन था अगर हम जो पॉपुलेशन साइज और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको ये जे सेव्ड ग्राफ मिलेगा और जे सेव्ड ग्राफ ये शो करता है कि एक्सपोनेंशियल uh, ग्रोथ को ये शो करता है इसको एक्सपोनेंशियल uh, ग्रोथ का uh, हम दो एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने जो ये पिक्चर दिखाई दे रहा है ये एक रेंडियर है इस ये जो रेंडियर था इसको क्या किया कि अलस्का में 1910 uh, में इनके एक हर्ड को हमने क्या किया इंट्रोड्यूस कर दिया सेंट पॉल नाम के जगह पे जब हमने इसके हर्ड को इंट्रोड्यूस किया था तो इसमें क्या था कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थे फोर मेल्स थे ट्वेंटी टू फीमेल्स थे यानी टोटल जो इंडिविजुअल्स uh, थे वो uh, 26 ट्वेंटी सिक्स इंडिविजुअल्स थे इसके बाद थर्टी इयर्स के बाद हमने देखा नाइनटीन पे हमने देखा कि जो हर्ड का जो साइज था वो इंक्रीज हो गया है जो इंडिविजुअल्स थे वो यहाँ पर टू थाउजेंड थे तो हम इसे कह सकते हैं कि जब हर्ड को इनिशियल स्टेज पे हमने सेंट पॉल अलास्का में इंट्रोड्यूस किया तो उस टाइम पे क्या होगा जो फूड रिसोर्सेज थे वो बहुत अवेलेबल थे और स्पेस uh, और फूड रिसोर्सेज अवेलेबल थे जिसकी वजह से पॉपुलेशन ने एक्सपोनेंशियल uh, ग्रोथ को शो किया ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है ये एक वुफिंग क्रेन बोलते हैं इनडेंजर्डीस है, है यानी एक्सटेंशन की कगार पे था ये हमने इस वुफिंग क्रेन को 1916 पे प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया बट 1941 तक जो इसका नंबर जो नंबर बच गया था वो 15 बर्ड्स बस बचे हुए थे फिर हमने इसकी ब्रीडिंग को स्टार्ट किया कनाडा में जब कनाडा में इसकी ब्रीडिंग को स्टार्ट किया तो इसका हमने बाद में 2000 में इसके पॉपुलेशन को जब काउंट किया इंडिविजुअल्स को जब काउंट किया ये अबाउट 200 था यानी 1941 से 2000 तक इसका जो पापुलेशन का जो साइज़ है वो इंक्रीज हो चुका था तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ये पॉपुलेशन है आप इसको देख सकते हैं आप ग्राफ के थ्रू कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो कर रहा है तो ब्रीडिंग कंडीशंस में क्या होगा वो प्रोटेक्टेड एरिया में रहेगा उनको जो फूड सप्लाई है वो अल्टीमेट अल्टीमेट uh, दिया जाएगा जिसकी वजह से उसका जो ग्रोथ होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा अब हमें एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि जो एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ होता है ये इनिशियल स्टेज में एक्सपोनेशियल ग्रोथ होगा किसी भी पॉपुलेशन का बट जब कुछ टाइम के बाद वो ग्रोथ क्या हो जाएगा स्लो uh, हो जाएगा ड्यू टू कैरिंग कैपेसिटी और यही जो कैरिंग कैपेसिटी हम लॉजिस्टिक ग्रोथ में डिस्कस करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ एज अ पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस ईच इंडिविजुअल्स हैज एसेस टू फ्यूअर रिसोर्सेस हम यहाँ ये यह कहने जा रहे हैं कि जब इनिशियल स्टेज होगा तो पॉपुलेशन क्या होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा क्योंकि उनके बीच में फूड और रिसोर्सेज को लेकर कोई भी कंपटीशन नहीं है तो इसीलिए वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा बट बाद में क्या हो जाएगा जब पॉपुलेशन का जब साइज इंक्रीज हो जाएगा रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा इंडिविजुअल्स के बीच में यानी पॉपुलेशंस के बीच में तो इसीलिए जो पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उनको थोड़ा थोड़ा रिसोर्सेस मिलेगा इट मीन्स अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कैन ओनली सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज तो हम इससे ये कह सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नंबर uh, के इंडिविजुअल्स को ही सपोर्ट करेगा द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज ट अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट इनडिपेंडेंटली इज डिफाइंड एज ए कैरिंग कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाई द लेटर कैपिटल के अगर हम लॉजिस्टिक ग्रोथ uh, के इक्वेश को हम ध्यान में देखें तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का इक्वेशन है ये एक्सपोनेशियल ग्रोथ के इक्वेशन का मॉडिफिकेशन है तो आप यहां ध्यान दीजिएगा डी एन अपॉन डी टी ये रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आर स्मॉल आर इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीजेस कैपिटल एन इनिशियल पॉपुलेशन साइज और कैपिटल के कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है और के माइनस एन अपॉन के ये शो करता है कि अभी भी कितना रिसोर्सेस अवेलेबल है किसी भी पॉपुलेशन के लिए अगर इसी इक्वेशन में हम कहें कि जो एन है इनिशियल स्टेज में एन है इनिशियल स्टेज में वो बहुत स्मॉल है तो जो के होगा वो स्मॉल uh, होगा तो हम कह सकते हैं के माइनस एन अपॉन के इज इक्वल टू वन के बराबर होगा तो वन के बराबर होते ही जो ये इक्वेशंस है लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के इक्वेशन की तरह हो जाएगा या वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा अगर हम कहें कि जो ये पॉपुलेशन का जो साइज है ठीक है ये क्या हो जाए के से बड़ा हो जाए तो हम कहेंगे कि जो के uh, से बड़ा हो जाए तो हम कहेंगे N के माइनस एन अपॉन के इज इक्वल टू जीरो के अप्रोक्सीमेटली जीरो के करीब हो जाएगा और जीरो के करीब होते ही उस जीरो को आर एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे कि जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है वो यानी स्टॉप हो गया है ऐसे ही हम क्या करेंगे कि अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें पॉपुलेशन साइज के बीच में और टाइम के बीच में तो जब ये ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे होते हैं तो शुरू में जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो क्या है स्लोली इंक्रीज होगा इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दिखाएगा और इसके बाद क्या होगा ये इक्विब्रियम स्टेट पे आ जाएगा जहां ये इक्लेबरियम स्टेट पे आ जाएगा इसको हम कहेंगे कैरिंग कैपेसिटी और ये जो सेप आपको दिखाई दे रहा है इसको एस सेप्ड कहते हैं और सिग्मोइड सेप्ड कहते हैं इसके अलावा अगर हम डी एन अपॉन डी टी और पॉपुलेशन साइज के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम देखते हैं कि जो डी एन अपॉन डी टी है ये पॉपुलेशन का हाई रेट होगा पॉपुलेशन जो ये ग्रोथ होगा ये हाई होगा जब कैरिंग कैपेसिटी हाफ होगा यानी के अपॉन टू होगा यानी एन इज इक्वल टू के अपॉन टू लॉजिस्टिक इक्वेशन में भी रिटर्न इन सेवरल वेज हम क्या जो लॉजिस्टिक इक्वेशन उसको कई तरीके से लिख सकते हैं इसमें से ये दो तरीके और हैं जो लॉजिस्टिक इक्वेशन को डिफरेंट तरीके से लिखे गए हैं एजेंप्शन ऑफ द लॉजिस्टिक ग्रोथ कैरिंग कैपेसिटी इज कॉन्स्टेंट फॉर अ सिस्टम कहने का मतलब है हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी इन्वायरमेंट का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कांस्टेंट होता है वो कभी चेंज नहीं होता है पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड बाय द एज डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब है लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है वो एज डिस्ट्रीब्यूशन से अफेक्टेड नहीं होता है इट इज एज्यूम डेट बर्थ रेट्स एंड सर्वाइवल्स सिप रेट्स बोथ डिक्रीजेज विथ द डेंसिटी कहने का मतलब है पॉपुलेशन में जैसे जैसे ग्रोथ जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा इंडिविजल्स का एडिशन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ बर्थ रेट इससे क्या होगा पॉपुलेशन के बीच में कॉम्पिटिशन एराइज हो जाएगा रिसोर्सेज के लिए तो डेंसिटी वहाँ इंक्रीज़ हो जाएगी डेंसिटी की वजह से क्या होगा एग्रेसिव इंट्रैक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से सर्वाइवल सिप जो रेट है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और अगर फूड के लिए क्या है कंपटीशन एराइजेज हो जाएगा तो न्यूट्रीशन अवेलेबल अच्छा, पूरा न्यूट्रीशन अवेलेबल नहीं होगा पॉपुलेशन के इंडिविजुअल लिए तो हम कह सकते हैं कि उनकी फिजियोलॉजी में चेंजेस आ जाएंगे जिससे बर्थ रेट को भी वो अफेक्ट कर सकता है ए बायोटिक फैक्टर्स डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स डू नॉट अफेक्ट द बर्थ एंड डेथ रेट आज हमने क्या स्टडी किया है ग्रोथ रेट को हमने पहले डिफाइन किया है फिर हमने ग्रोथ रेट में ये बताया कि ग्रोथ रेट कैसे कंट्रोल होता है इसके बाद हमने बता हमने डिस्कस किया एक्सपोनेंशियल uh, ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के इक्वेशन को डिस्कस किया और उसके टू एग्जांपल को हमने डिस्कस किया इसके बाद हमने डिस्कस uh, किया लॉजिस्टिक ग्रोथ को लॉजिस्टिक uh, ग्रोथ के एज्शन को हमने डिस्कस किया आई होप सभी को यह लेक्चर समझ में आया होगा थैंक यू